मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है और लगातार अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ताजा मामला शाजापुर जिले के शुजालपुर का है, जहां पुलिस ने राशन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 टन गेहूं और 5 टन चावल पकड़ा है। दरअसल मंडी पुलिस को मुखबिर से अवैध राशन का परिवहन करने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी संतोष बघेला ने दलबल के साथ घेराबंदी कर गाड़ी को पकड़ा और गाड़ी के कागज व गेहूं ले जा रहे माल की बिल्टी मांगी, लेकिन ड्राइवर और गाड़ी संचालक के द्वारा बिल्टी व कागज नहीं दिखाया गया। संदेह पर थाना प्रभारी ने गाड़ी को तुरंत थाना मंडी में खड़ा करवा दिया। वाहन की तलाशी लेने पर सहकारी सोसाइटी का 10 टन गेहूं और 5 टन चावल गाड़ी से मिला। फिलहाल पुलिस 3 नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, ये मुखबिर सूचना के आधार पर एक खाद्य आपूर्ति नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग का एक ट्रक अवैध रूप से गेहूँ चावल लेके जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तत्काल उसको मौके पर रोक कर पंचनामा कार्रवाई करके SDM महोदय को सूचना दी गई थी, जिसके बाद कलेक्टर महोदय के प्रतिवेदन पर इसमें 3 लोगों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपराध कायम किया गया है, जिसमें केंद्र अधीक्षक विपिन जाटव, परिवहन संचालक है अपना इरशाद कुरैशी और चालक मनीष मालवी पे 3 लोगों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर, आरोपियों को पकड़ लिया गया, आरोपी फरार है, इनको तैयारी चल रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपराध को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं गरीबों के अनाज पर भी डाका डालने के मामले भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।